नमस्कार दोस्तों, बिहार दरोगा आयोग ने अभी एक नया नोटिफिकेशन जारी किया है जिसमें 682 स्टूडेंटों को रिजेक्ट कर दिया है। और ये रिजेक्ट किस आधार पर किया गया है हम नोटिफिकेशन में चल के आप लोगों को देखेंगे। इससे पहले आप लोग अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें और आपके बगल में वेल आइकन होगा उसको दबा लें ताकि समय समय से आपका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे, जिससे आप लोग बिहार दरोगा आयोग का जो भी न्यूज़ आए उससे अपडेट होते रहें। तो आइए सीधे चलते हैं नोटिफिकेशन के लिए, चलते हैं सबसे पहले बिहार दरोगा आयोग की वेबसाइट पर, वहां पर देखते हैं कि आज नोटिफिकेशन जो आया है उसके बारे में। तो देखिए यहाँ पर आप लोगों को BPSSC टाइप कर देना है और टाइप करने के बाद से मेन साइट आपका खुल जाएगा। ये मेन साइट आपका खुल गया और होम पेज पे इसके क्लिक करेंगे तो देखिए ये मेन साइट जो है बिहार पुलिस सबऑर्डिनेट सर्विस कमीशन का खुल चुका है। और यहाँ पर 21/1/2022 को एक नया नोटिफिकेशन आया है, इस नोटिफिकेशन को हम लोग देखते हैं। नोटिफिकेशन जो है कि डाउनलोड हो रहा है, जैसे ही डाउनलोड होगा मैं आप लोगों को दिखाऊंगा कि आखिर नोटिफिकेशन में क्या आयोग के द्वारा कहा गया है और किस बेस पे जो है कि इनको रिजेक्ट किया गया है। तो देखिए ये आपका जो है कि खुल गया नोटिफिकेशन, बिहार पुलिस और सेवा आयोग और विज्ञापन संख्या 03/2020। जो भी कैंडिडेट जो है कि इसको भरे होंगे बिहार दरोगा, उन्होंने प्रीलिम्स का पेपर दिया होगा, वो इस बार एक बार जरूर अपने रोल नंबर को यहाँ पर मिला लें। तो देखिए इसमें कहा गया है बिहार पुलिस और सेवा आयोग पटना द्वारा पुलिस और निरीक्षक एवं परिचारी के रिक्त पदों के विरुद्ध जारी किए गए विज्ञापन संख्या 03/2020 के क्रम में दिनांक 26/12/2021 को संयुक्त लिखित परीक्षा जो है कि आपकी प्रतियोगी परीक्षा आयोजित की गई और परीक्षा के उपरांत जांच के क्रम में पाया गया कि कई अभ्यर्थियों ने एक से अधिक आवेदन पत्र भरा है जो विज्ञापन की शर्तों का उल्लंघन है। अतः आयोग द्वारा ऐसे अभ्यर्थियों को, अभ्यर्थी जो 682 हैं, इनका पत्र जो है कि अस्वीकृत कर दिया गया है। इन अभ्यर्थियों का रोल नंबर है तो आप लोग देख सकते हैं कि क्या बेसिस है। बेसिस इन्होंने कहा है कि एक बार से अधिक उन्होंने फॉर्म को भरा है जिसके वजह से इनका कैंडिडेचर जो है कि रद्द कर दिया गया है। तो टोटल जो स्टूडेंट हैं 682 हैं, देख सकते हैं आप लोग, मैं आप लोग ऑफिशियली नोटिस है। तो इतने स्टूडेंट जो है आपके जो है कि उनका भविष्य जो है कि पहले ही खराब हो चुका, वो अगले पेपर की तैयारी में लग जाएं, किसी और पेपर की तैयारी में, चाहे वो SSC का हो या बिहार दरोगा का और भी जो आने वाली वैकेंसी हो वो उसमें लग जाएं और अपना जो है कि फ्यूचर सिक्योर करें आने वाली वैकेंसियों में। तो आज के लिए इतना ही और मैं रिजल्ट के बारे में आप लोगों को जल्द ही एक वीडियो लेके आऊँगा, क्योंकि जैसे ही ये नोटिफिकेशन रिजेक्शन लिस्ट का आता है उसके 10 दिनों के अंदर या एक हफ्ते के अंदर जो है कि रिजल्ट जारी कर दिया जाता है बिहार दरोगा का। तो आप लोग उसके लिए बिल्कुल रेडी रहें, एकदम खुश रहें कि हमारा रिजल्ट आ रहा है, बस इस रोल नंबर में आपका रोल नंबर ना हो। तो आज के लिए इतना ही।